हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जेम्स पैट्रिक किनी के द्वारा लिखी गई पोयम द कोल्ड विदिन को पढ़ेंगे। जेम्स पैट्रिक किनी, जो कि पुअर आयरिश फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 1923 को हुआ था और इनकी डेथ 1974 को हुआ था। ये जो पोयम है द कोल्ड विदिन, ये लिखे थे 1960 में इस पोयम को इन्होंने लिखा था। जो पोयम है ये डिस्क्रिमिनेशन पे है और इसके ठीक पहले हम लोगों ने लंगस्टन ह्यूज के द्वारा लिखी गई पोयम आई टू सिंग अमेरिका को पढ़ा, वो भी डिस्क्रिमिनेशन पे ही आधारित रहा। डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या होता है? रेसियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एज डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है और कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो अपर लोअर पुअर रिच से रिलेटेड होता है, रिलीजियस आपको पता ही है, जेंडर आपको पता ही है। जेंडर में भी देखिए क्या है, लोग कहते हैं कि नहीं ये लड़की है ये काम नहीं कर पाएगी, ये लड़का है, लड़कों को खुली छूट दी जाती है जबकि लड़कियों को नहीं दिया जाता। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर किसी भी लड़की को अगर पूरा सपोर्ट किया जाए तो क्या होता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी। उनका माइंड लड़कों से ज़्यादा होता है, कई गुना तेज होता है। बचपन में कोई भी लड़की होती है देखेंगे उनका माइंड बहुत ही शार्प होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती है उनको बोला जाता है यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये क्यों पहन ली, इससे क्यों बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है यहाँ पर बताइए, उनका जो माइंड होता है वो सप्रेस होता है और इस तरह से क्या होता है वो उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो सही नहीं है। हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो वो पर्सन है जिससे वो जुड़े लोग हों, जैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन है तो जो अपर क्लास के लोग हैं अगर वो लोअर से क्या करते हैं, वो गलत तरीके से पेश आते हैं तो क्या होगा, वो लोअर जो कास्ट के लोग होते हैं या लोअर सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, वो हर्ट होते हैं। ठीक सिचुएशन, और ये चीज हमेशा जानना चाहिए कि समय सबका आता है, टाइम सबका आता है, और हम कोई भी काम अगर करें, चाहे कोई कितना हो अमीर रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई भी काम करते हैं, एक जो गरीब होता है, जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, बिना उनके हेल्प के कोई काम नहीं हो पाता है, तो फिर आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं भाई। आप देख लीजिए, चाहे आप क्या कोई फंक्शन हो, पूजा पाठ शादी या कोई ऐसा चीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, चाहे जो अच्छा हो या बुरा, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमको पुअर की मदद लेनी पड़ती है, जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन किस बात का। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो पोयम है पूरा डिस्क्रिमिनेशन पर है, और सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ है इस लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है, कौन जानता है कि कल हो ना हो, जो भी हो। तो इस तरह से एक सॉन्ग भी मुझे याद आ गया अभी आप लोगों को, किशोर कुमार जी ने गाया हुआ है कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो यहाँ जैसे देखिए क्या है, इसमें जो लाइनें हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो सुनिएगा इस शाम को, पूरा शाम को, और इसमें जो लाइनें कही गई हैं एकदम फैक्ट है कि कोई पता नहीं, किसी को ठिकाना नहीं, हम आज चल रहे हैं कल आपके बीच में रहे या ना रहे, कोई नहीं जानता है। और डेली हमारा क्या डेली का रूटीन है, सुबह आदमी जागता है, भाग दौड़ में लग जाता है, अपना काम करता रहता है, क्योंकि क्या है सबको अपना लाइफ को सर्वाइव करना, सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, उस रिस्पांसिबिलिटी को क्या करते हैं पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बात करेंगे, आगे पढ़ते हैं इस पोयम को। द कोल्ड विदिन है जो पोयम है, जैसे इस पोयम में इन्होंने जो बताया है, थोड़ा सा एसेंस मैं दे दूं आपको, इस पोयम में इन्होंने क्या किया, पोयम का नाम इन्होंने दिया है द कोल्ड विदिन। विदिन का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड बाहर। जो कोल्ड है, जैसा कि ठंड भी है, देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इस पोयम को मैं बनाने वाला नहीं था आज, लेकिन मेरे माइंड में ठंड को लेकर मेरे माइंड में ये पोयम सडन आया मेरे माइंड में कि ये पोयम मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैं सोचा कि चलो भाई इस पोयम को ही बनाते हैं आज इस पे वीडियो। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या, दो तरह का ठंड है इस
सेंस इस पोयम इन्होंने जो बताया है कि सोसाइटी में हमारे दो तरह के ठंड होते हैं, एक क्या होता है, एक ठंड तो बाहर है जैसा कि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सब लोग क्या है अंदर पड़े हुए हैं, कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो एक ठंड तो क्या है जो नेचर के थ्रू है भाई, वो नेचर सब पे प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं कि जो नेचर जब ठंड है तो ऐसा नहीं कि एक अमीर को ठंड लगेगा और गरीब को नहीं लगेगा, एक ऊंची जाति वाले को ठंड लगेगी और नीचे जाति वाले को नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ठंड क्या है, सबके ऊपर है। इसीलिए कहा गया है कि क्या करता है, देखिए नेचर नेवर गिव्स डिस्क्रिमिनेशन टू अस, नेचर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं देता है। अनायो कहता है ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन की चीजें हैं ये सब क्या है, सब यहां जन्म के बाद से बनाई गई है, ये हम लोगों ने बनाया रखा है। और उसी की बात करते हैं जो हम लोगों ने बना रखा है, द कोल्ड विद इन, इट मींस जो हमारे अंदर की जो ठंड है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको क्या करना है, उसको हटाना है। यही इस पोयम का मेन थीम है। फ्रेंड्स आइए पोयम को हम पढ़ते हैं। जो पोयम है इसमें यह है कि सिक्स मैन हैं, जो सिक्स छह लोग हैं और कहीं जा रहे होते हैं, फिर एक जंगल पड़ता है, वहां पे क्या होता है, वो रुक जाते हैं और कड़ाके की ठंड है और आग क्या है वहां पे जल रही है, और सबके हाथ में क्या एक लकड़ी का गट्ठा है, एक लॉग है लकड़ी का। लेकिन कोई भी क्या करता है, आग अपने उस लकड़ी के लॉग को उसमें डालता नहीं है, आग में नहीं डालता है, जिस कारण से क्या होती है, आग बुझ जाती है और उसके बाद से सारे के सारे लोग क्या होते हैं, ठंड की वजह से मर जाते हैं। ये पोयम का एक शॉर्ट रिव्यू मैंने दे दिया आपको। अब पोयम को हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पोयम जैसे देखिए क्या है, जो फर्स्ट स्टेंजा है यहाँ पे लिखा गया है, सिक्स ह्यूमंस ट्रैप्ड बाय हैपेंड स्टेंस। क्या हम बात करेंगे सिक्स ह्यूमंस, करेंगे छह ह्यूमन बींग्स हैं, छह लोग हैं, करेंगे ट्रैप्ड बाय हैपेंड स्टेंस, करें कि कैसा हैपेंस्टेंस का मतलब होता है सडन कोइंसिडेंस, जैसे बाय चांस कह लीजिए, एक वन सेंस में अगर हम कहें तो बाय चांस क्या होता है कि छह लोग क्या होते हैं एक जगह मिलते हैं, ट्रैप्ड होते हैं एक जगह मिल जाते हैं, और कहां पे मिलते हैं, इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ब्लीक एंड बिटर कोल्ड का सेंस होता है बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड है, वहां पे क्या होते हैं मिलते हैं। जैसा कि इसके पहले हम बता दें कि कहीं जा रहे होते हैं और जंगल पड़ती है जब, तो जंगल जब वहां पे जब जंगल आता है तो क्या होता है, उनको रुकना पड़ता है, और कहां रुकते हैं, जहां पे एक जगह आग जल रही होती है वहीं पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो वहीं पे क्या होते हैं बिटर कोल्ड है। और कह रहे हैं कि ईच वन पजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, और हर किसी के हाथ में, पजेस्ड का रियल मीनिंग क्या होता है, संपत्ति होता है, अपना अधिकार भी होता है, तो यहां कह रहे हैं अ स्टिक ऑफ वुड, लकड़ी का एक स्टिक है, एक लॉक छड़ी नुमा एक लकड़ी ले रखे हैं लोगों ने अपने हाथ में, और सो द स्टोरी टोल्ड, और उसी पे क्या है ये कहानी जो पोयम लिखी गई है, पोएट ने इस पोयम को इसी पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बाय चांस क्या होते हैं छह लोग मिलते हैं एक जगह ठंड के मौसम में जहां पे आग जल रही होती है, और उन्हीं पे क्या है पोयम ये लिखी गई है। देखिए यहाँ पे आगे कहते हैं कि they are dying fire in need of logs, क्योंकि आग जो जल रही है, कहें कि dying fire मरती हुई आग, तो मरती हुई आग का सेंस है कि आग जल रही है, बुझ रही है, आग क्या हो रही है, बुझ रही है, बुझती हुई आग, in need of logs उसकी जरूरत है, आपको जरूरत है, किसकी जरूरत है, logs को, जो logs उनके हाथ में जो लकड़ी का गट्ठा ले रखा है डंडा नुमा पतला सा, उसकी जरूरत है। But the first woman held her bags. लेकिन यहाँ पहला जो वर्णन किया गया है कहते हैं कि the first woman जो पहली यहाँ करें जो औरत है, she का यहाँ सेंस है, यहाँ पे फीमेल को दिखाया गया है, held her bags ऐसे पीछे मतलब घूम के देखती है, for the faces round the fire. राउंड द फायर, जैसा कि हम जानते हैं कि आग जलती है तो क्या होता है, हम सारे लोग राउंड करके बैठते हैं, गोल करके राउंड नुमा करके सर्किल बना के बैठ जाते हैं, तो क्या करती है अपने ऐसे चेहरे को देखती है, तो चेहरे को देखती है, घुमाती है अपने चेहरे को फिर, और राउंड द फायर चारों तरफ देखती है, सी नोटिस्ड वन वाज ब्लैक, अब वो नोटिस करती है, तो नोटिस करती है, तो क्या नोटिस करती है कि वन वाज ब्लैक, अरे वो देखती है कहती है कि यहां तो एक काला व्यक्ति बैठा हुआ है,
ब्लैक। यहां पे क्या है, काला व्यक्ति बैठा हुआ है। चलो मैं अपना जो लकड़ी का जो क्या है, जो एक छोटा सा लॉग जो ली हुई है पतला सा, वो क्या करेगी, वो आग में नहीं डालेगी, क्योंकि क्या है यहां एक ब्लैक मैन बैठा हुआ है, और इस अगर ये लकड़ी डाल देती है आग में तो भी क्या हो जाएगा, आग को सेकेगा, और इसके वजह से क्या होगा, वो चाहती नहीं है कि किसी तरीके से उस पर्सन को क्या हो, फायदा हो, जो कि ब्लैक मैन है। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, यहाँ पे भाई छह लोग क्या हो रहे हैं, एपन स्टैंड से मिलते हैं, फिर उसके बाद से आग जल रही है, उनके हाथ में क्या स्टिक है लकड़ी का। इसके बाद सेकेंड में क्या, वहां पे एक औरत है जो कि देखती है चारों तरफ, आके चारों तरफ जो लोग बैठे हुए उसमें से एक काला पर्सन है जो कि नफरत करती है ब्लैक से, तो ये नहीं चाहती कि उसको फायदा, इसलिए वो अपना लकड़ी जो है स्टिक वो नहीं डालती है। तो फ्रेंड्स इस स्टेंजा में क्या किया गया, इस स्टेंजा में पोएट ने जेम्स पैट्रिक कीने ने क्या किया है, कलर डिस्क्रिमिनेशन को बताया। जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है काला गोरा, और अमेरिका में उस समय बहुत ज्यादा था कलर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां देखिए कलर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाया गया इस स्टेंजा में। आइए नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे, क्रॉस द वे का प्रूव किया गया है, क्रॉस द वे का सेंस यहां पे है क्रिश्चियन से। करके जो नेक्स्ट मैन, जो अगला मैन रहता है वो क्या रहता है, क्रिश्चियन रहता है, सा वन नॉट ऑफ हिज चर्च, और जो सर्किल बना के सारे लोग बैठ रहे हैं और कुछ सेक रहे होते हैं, तो देखता है उसमें देखता है कि यहां तो भाई क्या उसके रिलीजन का तो कोई है ही नहीं है। करेक्ट, एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव इन द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, और करें आप एक एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव, और इस कारण से वो नहीं देता है अपनी लकड़ी को, नहीं डालता है आग में अपनी लकड़ी को। देखिए इन द फायर हिज स्टिक ऑफ, यानी कि क्या है, बर्च का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा बी आई आर सी एच। मैं आपको बता दूं बर्च होता क्या है, बर्च जो होता है एक कोमल लकड़ी, एक टहनी नुमा होता है, और इसलिए यहाँ पे बर्च का इन्होंने पोएट ने जो वर्णन किया है एक सिंबल है। बर्च जो होता है एक, बता दें कि एक कोमल लकड़ी होती है, उसकी एक टहनी होती है ये बर्च, और इसको ये सिंबल माना जाता है रीबर्थ का, पुनर्जन्म, जो बर्च है वो सिंबल है माना जाता है, इट इज ए सिंबल ऑफ रीबर्थ। तो यहाँ रीबर्थ सिंबल इसलिए है क्योंकि देखिए क्या, सबके वहां सब ठंड सबको लग रही है और सबको पता है कि आग बुझने वाली है, लेकिन फिर भी क्या है वो अपना जो लकड़ी यहाँ नहीं डालता है, क्योंकि क्या है कहता है कि ये तो इसके धर्म के ही नहीं है, दूसरे धर्म के लोग हैं, यहाँ एक भी क्या है इसके धर्म से नहीं बिलोंग करता है, और चूंकि यहाँ स्टिक का बर्च है इसलिए उसकी अगर अगर लकड़ी डाल देता तो हो सकता है उनको पुनर्जन्म मिल जाता, इट मीन्स मरते नहीं, जैसा कि लास्ट में हम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि सब के सब क्या होते हैं, मर जाते हैं ठंड की वजह से। तो यहाँ एक स्टिक का बर्च है इसलिए यहाँ पर बर्च का इन्होंने यूज किया है। तो इस स्टेंजा में क्या हम पाते हैं, इस स्टेंजा में पाते हैं कि जो नेक्स्ट मैन है वो क्या है, वो क्रॉस द वे अपना मतलब देखता है, क्रॉस द वे मतलब यहाँ क्रिश्चियन से है, और पाता है कि एक भी पर्सन क्या है चर्च का नहीं, इट मीन्स उसके रिलीजन से नहीं है, और इसलिए क्या करता है अपने आप को पीछे खींच लेता है, और उसके हाथ में जो लॉक रहता है लकड़ी के बैठा वो क्या करता है वो नहीं डालता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इस स्टेंजा में क्या किया गया है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया है, जो धर्म के डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बताया गया है, जैसा इसके पहले हम बता चुके हैं कि कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो यहाँ धर्म है भाई, मेरा धर्म बड़ा है उसका धर्म क्या है छोटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर क्या है सबको जानता है कि एक है, चाहे जिसको आप मानिए, सबके अपने अपने क्या है एक आस्था है, और हम क्या करते हैं एक आस्था को लेके ही मंदिर में मस्जिद में चर्च में जाते हैं, मन की शांति के लिए पीसफुल के लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये धर्म क्या है, कोई धर्म ऐसा बोलता हो कि नहीं आप क्या कीजिए किसी के साथ गलत कीजिए, आप किसी के साथ गलत व्यवहार कीजिए, या किसी को मारिए, किसी के यहाँ चोरी कीजिए, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। तो इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे है कि द थर्ड वन सेट इन टैटर्ड क्लॉथ्स, फटे चिथड़े कपड़े। करें कि जो आगे जो इंसान बैठा रहता है, जो थर्ड वन होता है, फटे कपड़े में, फटे चिथड़े कपड़े में क्या होता है बैठा होता है,
He gave his coat a hitch. Hitch का sense होता है ऐसे tight करके एकदम, क्या होता है आदमी पूरा coat वोट ऐसे tight करके जो भी कपड़ा पहना रहता है बांध के एकदम, ठीक है एकदम. हिच का रियल मीनिंग होता है झटके से खींचना, रियल मीनिंग इसका होता है. यहाँ ऐसे सेंस से ये है कि क्या करता है ऐसे अपने कपड़े को कैसे खींच लेता है ताकि उसको ठंड ना लगे. और उसके बाद से वाई शुड हिज लॉ अपुटर टू यूज टू वाट द आइडल रिच. और वे कहता है कि वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज, कहता है कि क्यों मैं अपने इस लॉग को क्यों दू यूज करने के लिए, किसको टुवार्ड द आइडल रिच का प्रयोग किया है यहाँ पे. ये जो आइडल जो क्या है, जो निकम्मा रिच है, निकम्मा रिच का सेंस क्या है आप देखिए. आइडल रिच का सेंस यह है, इसके अनुसार यह है जो पुअर पर्सन है, यहाँ सेंस है टाइटल क्लॉज का सेंस यहाँ पे क्या है पुअर पर्सन. तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने वर्णन किया है पुअर पर्सन का. ये कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये है कि मेहनत मैं करता हूँ, ये चुपचाप जो अमीर है क्या ये बैठा रहता है और बैठा रहता है और क्या करता है मेहनत, मेरी मेहनत का पैसा ये कमाता है और मेरे हिस्से का क्या करता है जो इनकम है वो देता भी नहीं है. तो चलो आज मुझे मौका मिला है तो मैं इसे क्यों दूं, चुपचाप अपने कपड़े को कैसे पूरा खींच के बांध लेता है ताकि ठंड न लगे और उसके बाद से क्या होता है ये भी उस आग में अपनी लकड़ी को नहीं डालता है. फ्रेंड्स देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे ये है अगला देखिए कह रहे हैं कि द रिच मैन जस्ट सेट बैक. अब यहां पर चूंकि पुअर मैन आया, एक चीज और जान जाइए कि इसमें भी क्या है, इसमें क्या है क्लास डिस्क्रिमिनेशन बताया गया. क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो आपका क्लास अमीर गरीब जो है उसमें इसमें दिखाया गया है. इसमें भी देखिए द रिच मैन, इस स्टेंजा में भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन है. द रिच मैन जस्ट सेट बैक, फिर करें उसके बगल में क्या होता है रिच मैन भी क्या है बैठा था. और उसके बाद से एंड दो द वेल्थ ही हैड इन स्टोर्स, और तमाम एकदम उसके स्टोर में तमाम धन बहुत सारे पैसे कमा कर रखा हुआ है, बहुत सारे पैसे क्या कमा कर रखा हुआ है. एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न, और कैसे कह रहे कि इतने पैसे उसके पास क्या है वो रखा हुआ है अर्न करके फ्रॉम द लेजी सिंपलेस पुअर. और उसके बाद से फिर कह रहा है वहां पे कह रहा है कि यहां पे मैं अपने मतलब क्या मैं इतना मेहनत से पैसा कमाया मैं उसको रखा हुआ हूं तो फ्रॉम द लेजी सिफ्टलेस पुअर का प्रूव किया गया. सिफ्टलेस का मतलब होता है जैसे बता दे साधन विहीन, जिसके पास साधन कोई नहीं रहता है, कर ये जो पुअर है इसके पास कुछ नहीं है तो मैं इसके लिए मैं इतने मेहनत से पैसा कमाया मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे और मैंने क्या किया मेहनत किया. और जो लेजी है जो क्या है जो गरीब है ये बस आलस करता है, इसके अंदर आलस रहता है, मैं इसके लिए क्यों अपने लॉक को डालू, क्यों अपना जो क्या है जो लकड़ी का जो है मेरे पास उसको मैं क्यों डालू, जो स्टिक को क्यों डालू. अब देखिए यहां पे भी क्या है क्लास डिस्क्रिमिनेशन है. और फ्रेंड्स हम बता दें कि एक बहुत अच्छी पोयम है इजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और उस पोयम में क्या है बताया गया है पोएट ने जो टॉमस ग्रे लिखे उस पोयम को, और उस पोएम में उन्होंने बताया है कि डेथ मेक्स नो डिफरेंस आइदर द पुअर आर द रिच. ऐसा नहीं कि उसको कहते हैं कि जो डेथ है ना वो कोई डिफरेंस नहीं करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबके लिए समान है. ऐसा नहीं कि जो बहुत अमीर है उसके लिए क्या होगा यमराज जी आएंगे तो बहुत अच्छे से आएंगे पूरा बैंड बाजा बारात के साथ कि चलो भाई हम तुमको ले चल रहे हैं, और एक गरीब क्या होगा उसको क्या होगा उसको एकदम बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारा जाएगा, जिसको जैसे लिखा है वैसे ही मरना है चाहे वो अमीर हो चाहे क्या हो गरीब हो. और उसी में जैसे देखिए क्या है एक लाइन है कि द पास ऑफ ग्लोरी यू लीड बट नॉट टू द ग्रेव, की एक लाइन है बहुत अच्छी लाइन है. तो कहते हैं कि अ पास ऑफ ग्लोरी, अब बहुत ज्यादा ग्लोरी के मार्ग पे चले गए लेकिन ग्रेव से आगे कोई नहीं जा सकता. इट मीन्स ग्रेव का सेंस है कब, तो सेंस क्या है इसका डेथ, डेथ कम्स टू ऑल द लेटर और द सूनर, तो डेथ सबको आनी है चाहे पहले आए चाहे बाद में आए. यहां सेंस क्या है हमने इसको इसलिए बताया कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन करने जाए, अमीर गरीब से नफरत करे गरीब अमीर से नफरत करे तो ऐसे कैसे, ऐसे तो चल नहीं पाएगा जीवन. फिर करे आगे देखिए करे कि एंड द ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज. अब देखिए ये क्यों पीछे रहे भाई, आगे करे कि ब्लैक मैन है जो वो बी स्पोक रिवेंज, अब एकदम एकदम पीछे पड़े हुए एकदम क्या करें वो रिवेंज लेंगे. अब एक रिवेंज लेंगे उनके माइंड में है कि वो भी रिवेंज लेंगे एज द फायर पास फ्रॉम हिज साइट, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं कि आप क्या है जल रही है
अब बहुत जल्दी क्या हो बुझने वाली है। फॉर ऑल द शार्क इन हिज स्टिक ऑफ वुड, सब लोग देखते हैं कि क्या है वहां पर, फॉर ऑल द शार्क इन हिज स्टिक ऑफ वुड, सब लोग भी देख रहे हैं उसके हाथ में क्या स्टिक ऑफ वुड है, वो भी एक क्या है स्टिक लिया हुआ है लकड़ी का। व्हाट अ चांस टू स्पाइट द वाइट, अब देखिए अब इसके पास से ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या है एक चांस, इनके पास भी मौका मिला है इससे बदला लेने का वाइट, वाइट का सेंस यहाँ पे, यहाँ पर ये पॉइंट ने क्या किया है कलर डिस्क्रिमिनेशन का प्रयोग किया हुआ है, कलर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी है। देखिए कि यहाँ जैसे ये जो ब्लैक मैन है वो सोचता है भाई इसको मौका मिल गया क्या चीज इस वाइट मैन से बदला लेने का, तो मैं भी क्या करूंगा, सब देखते हैं उसके हाथ में भी है तो मैं भी क्या करूंगा, मैं लकड़ी इकट्ठा जो है वो नहीं डालूंगा, देखते हैं इसको कैसे फायदा होता है, इसको भी ठंड लगनी चाहिए, मुझे भी लग रहा है इसे भी लगे। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि द लास्ट मैन ऑफ हिज फॉलन फॉरलॉन ग्रुप, फ्रेंड्स एक चीज बता दें कि द लास्ट मैन ऑफ हिज फॉलन फॉरलॉन ग्रुप, जैसे किसी बुक में फॉलन दिया है कहीं पर फॉरलॉन का प्रयोग किया है, दोनों है ये लाइन कह रहे कि जो लास्ट मैन था जो आखिरी आदमी रहा वो क्या था, वो फॉलन और फॉरलॉन, वो अपने आप एकदम अकेला, मतलब इन सबसे अलग, फॉरलॉन का मतलब था अकेला, अपने आप एकदम अकेला महसूस करता उस ग्रुप से। Did not accept for game, giving only to those game was how he played the game. और देखिए अब उसके माइंड में जैसे क्या चल रहा है करें यहाँ पे कि ये इसमें से तो इतने सारे हुए सब के सब एक ने भी क्या किया लकड़ी का गट्ठा नहीं रखा, जो लकड़ी है जो स्टिक के हाथ में किसी ने क्या किया उसको नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं, मुझे क्या मिला जाए कि एक्सेप्ट फॉर गेम, इसका सेंस है कि जैसे नहीं होता है कहा कहेंगे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये इस सेंस के नहीं, इनका सेंस है कि नहीं अगर ये नेकी कर रहे हैं तो उसके बदले इनको कुछ चाहिए, ये क्यों करना चाहिए नेकी, ये इनका सेंस ये नहीं है। तो यहां से वही करें कि डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेम, करें बिना गेम बिना फायदा के कुछ करने वाले नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिना फायदा कुछ करते नहीं है, वो नहीं उनको फायदा आप में दिखेगा तभी क्या है आपसे जुड़े रहेंगे, नहीं तो जैसे ही फायदा गया वो आपको कब छोड़ देंगे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ वही उसी टाइप के पर्सन है, गिविंग ओनली टू दोज गो वाज हाउ ही प्लेड द गेम, और देखिए अब कह रहे हैं कि ये उसी के लिए अपनी लकड़ी देंगे जो उनको देगा, तो ये इस तरह के। अब इस तरह से देखिए क्या है लास्ट जो स्टेंजा है फ्रेंड्स, वो है कि देयर लॉक्स हेल्ड लाइट इन दैट्स स्टिल हैंड्स, अब देखिए करें वहां पे कि उनके जो लॉक्स थे जो स्टिक वो हाथ में ले रखे थे वो एकदम क्या थे टाइट इन दैट्स स्टिल हैंड्स, और एकदम वो क्या हो गए टाइट हाथ में टाइट पड़े रहे, सेंस यहां क्या हुआ यानी कि दैट्स स्टिल हैंड्स, वो तब तक अपने हाथ में अपने लकड़ी के उस स्टिक को लिए रहे जब तक उनकी क्या हो गई मौत नहीं हो गई, तब तक क्या हो गए वे उस लकड़ी के गट्ठर को अपने हाथ में, सॉरी गट्ठर कह रहे हैं उस स्टिक को, लकड़ी को उस स्टिक को अपने हाथ में ले रखे। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन, और फ्रेंड्स बता दें करें यहाँ पे कि वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन, ह्यूमन सीन मतलब एक तरह से उन्होंने क्या एक मानव रूप पाके, जो ह्यूमन बींग्स जैसे कहते हैं लोग कि लोग कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन पाया, सेंस ये है कि हम क्या हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा हमारा जो जन्म हुआ है मनुष्य जो है जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, पता नहीं फिर हम किसी से मिले किसी से ना मिले, तो वो कहते हैं कि बड़े भाग से मानुष तन पाया, तो सेंस ये करें कि वास्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन, उन्होंने क्या प्रूफ किया कि ये ह्यूमन सीन है, ये एक मानव रूप में इन्होंने आके क्या कि यहाँ पे पाप किया जो एक दूसरे की मदद नहीं की, अगर एक दूसरे की मदद किए होते तो क्या होते वे नहीं मरे होते, स्टिक उनके हाथ में पड़ा का पड़ा रह गया। और देखिए करें आगे दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, और यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं समराइज कर रहे हैं करें कि सब जो मर गए वो इसलिए नहीं मरे कि बाहर जो ठंड है तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी बाहर उसकी वजह से नहीं मरे, बल्कि दे डाई फ्रॉम द कोल्ड विद इन, वो क्यों मरे द कोल्ड विद इन जो उनके अंदर ठंड थी, जो मन के अंदर जो ठंड थी, और मैं पहले ही बता चुका जो मन के अंदर जो ठंड क्या सेंस यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की भावना जो जेलस की भावना जो है वो उनके अंदर था वही क्या की इनको मार डाली। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने क्या जो द कोल्ड विद इन जेम्स पैट्रिक कीनी के द्वारा लिखी हुई पोयम को पढ़े, और इस पोयम में हमने बताया आप सब क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन पे है, और
डिस्क्रिमिनेशन पे इसमें छह लोग क्या होते हैं जा रहे हैं और क्या होते हैं छह के छह मर जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि उनके अंदर क्या है वो दूसरे कास्ट का है वो दूसरे रिलीजन का है वो दूसरे कलर का है ये सारी चीजें सोच के क्या होते हैं सब के सब मर जाते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।